यूपी के बांदा में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए देर रात नरेनी क्षेत्र के चंद्रनगर गांव में छापेमारी कर अवैध विस्फोटक का कारोबार कर रहे दो लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 200 डेटोनेटर और 2 क्विंटल अमोनियम नाइट्रेट, 1200 जिलेटिन रॉड, 1 एक्सप्लोडर बरामद किया है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र अधिकारी नरेनी कुलदीप गुप्ता के नेतृत्व में हमारी स्वाट टीम और नरेनी पुलिस ने छापेमारी की है और इसमें बरुआ से ओढ़ा और चंद्रनगर से दो जगह से काफ़ी बड़ी मात्रा में, जिसमें 200 डेटोनेटर हैं, 2 क्विंटल अमोनियम नाइट्रेट है, 1200 जिलेटिन रॉड जो लगभग 1.25 क्विंटल होगी, 1 एक्सप्लोडर ये बरामद हुआ है। ये हमारे बरुआ से ओढ़ा और चंद्रनगर ये दो जगहों से बरामद हुआ है, जिसमें हमने 2 मुकदमे कायम किए हैं, 85/19 और 86/19। इसमें छंगा अनुरागी और विजय शंकर